खेल में। बात करेंगे कोलकाता की। कोलकाता में पुलिस लाठीचार्ज के शिकार हुए छात्र नेता के दाह संस्कार में जबरदस्त भीड़ जुटी है। पूरे पश्चिम बंगाल के छात्र सुदीप्तो की मौत के खिलाफ एकजुट हो गए हैं और मौत के बाद अस्पताल पहुंची मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा है। बुद्धदेव भट्टाचार्य भी वहां पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी विक्रांत दुबे, कोलकाता में ही मौजूद हैं। और विक्रांत, ये लोगों का गुस्सा दरअसल किस वजह से है कि उनको शक ये है कि पुलिस ने हिरासत में लिया सुदीप्तो को, वहां पर उनकी हत्या कर दी गई है, या सरकार के ढीले ढाले रवैये को लेकर ये ज्यादा गुस्सा सड़कों पर फूटता दिख रहा है? देखिए संदीप, कारण दोनों ही है, लेकिन मूल कारण जिसकी शुरुआत अगर हम कहें तो वो हिरासत में लेने के बाद लाठीचार्ज, लाठीचार्ज के बाद सुदीप्तो की मौत। क्योंकि इनका कहना है कि हम लोग स्वैच्छिक रूप से गिरफ्तारी हम लोगों ने दी थी, हम लोगों ने घोषणा की थी कि हम कानून तोड़ो आंदोलन करेंगे और हम गिरफ्तारी देंगे। जब हमने गिरफ्तारी दे दी उसके बाद हमारे ऊपर लाठीचार्ज क्यों किया गया? जब हम लोग स्वैच्छिक, हम लोग बड़े ही आसानी से आराम से जा रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से हम जा रहे थे और प्रेसिडेंसी जेल जैसे ही हम पहुंचे इसी बीच पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज कहां भगदड़ मची जिसके कारण सुदीप्तो की मौत हुई। और दूसरी वजह सरकार का ढीला ढाला रवैया है। कहीं ना कहीं से पंचायत चुनाव है तो पंचायत चुनाव में माहौल को भी गर्म करना है और फिर लत अपनी वापसी करना चाहती है, किसी न किसी तरह से सत्ता पे काबिज होना चाहती है। और कहीं ना कहीं से इस पूरे खेल में यहाँ का जो छात्र संघ है बड़ा ही प्रभावी रहा है। और चूंकि 6 महीने के लिए ममता बनर्जी ने छात्र संघ चुनाव को सस्पेंड कर दिया है इसी को लेकर यह आंदोलन था। क्योंकि अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होता है तो एकजुटता वाम दलों में नहीं हो पाएगी, जो इनकी रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल में तो पश्चिम बंगाल में छात्र संघ की बहुत ही कारगर साबित होता है लेफ्ट के लिए। जी हाँ विक्रांत, अब सियासी रंग तो चढ़ गया है इस पूरे मसले पर, सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, जांच का भरोसा, कोई आश्वासन? देखिए अभी तक सरकार की तरफ से इस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। हालांकि पुलिस जो कह रही है कि इस पूरे मामले में पुलिस पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। ममता बनर्जी जरूर जिस तरह से माहौल पूरा गर्मा रहा है, सियासी रंग चढ़ता जा रहा है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं उसको देखते हुए ममता बनर्जी हॉस्पिटल में पहुंची थी, लेकिन जिस तरह से वहां पर उनका विरोध हुआ है हमें नहीं लगता है कि ममता बनर्जी की तरफ से अभी कुछ इस तरह की चीजें आने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं से ममता बनर्जी जो ममता की कैबिनेट है वो भी इस पूरे मसले को लेकर एक अच्छी खासी कर रही है और खुद रणनीति तैयार कर रही है कि इससे कैसे निपटा जाए। तो कोलकाता की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर छात्र नेता की हत्या, तथाकथित हत्या के मामले पर लोग नाराज भी हैं, श्रद्धांजलि देने भी आ रहे हैं और इसमें वाम खेमा खासा सक्रिय होता भी दिख रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।